क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस क्रॉप, जो धान की फसल है उसमें संकर बीज का उत्पादन जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की आपको पता होना चाहिए। एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रोफेसर योन लॉन्ग पिंग, ठीक है। ये चाइनीज साइंटिस्ट है, चाइना के अंदर चीन में संकर धान का जनक जो है, यानी फादर ऑफ हाइब्रिड पैडी जो है या हाइब्रिड राइस जो है वो कहा जाता है, किसको? प्रोफेसर योन लॉन्ग पिंग को, ठीक है। अगर अपने इंडिया की बात करें, भारत की अगर अपने बात करें, तो सबसे पहले जो संकर किस्म है या हाइब्रिड वैरायटी है धान की, वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ANGRAU, ठीक है। इसको बोलते हैं आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्होंने सबसे पहले जो संकर किस्म है धान की या राइस की, उसको डेवलप किया था, ठीक है। अगर अपने एट प्रेजेंट बात करें, वर्तमान में धान की कितनी किस्में हैं भारत के अंदर जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, तो भारत के अंदर 10 से भी ज़्यादा हाइब्रिड वेराइटीज़ या संकर किस्में धान की उगाई जाती हैं, ठीक है। अगर नेचुरली अगर अपने देखें कि जो धान है या राइस है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो इसमें 99.9% तक क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण होता है। तो इसका मतलब ये स्व परागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, संकर बीज का उत्पादन जो है वो हमेशा स्व परागित फसलों के अंदर या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ही कामयाब होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं फसलों के अंदर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो धान के अंदर या राइस के अंदर हम लोग संकर बीज उत्पादन के लिए या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड्स का या कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं? तो तीन विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है, 3-line system या 3 वंशक्रम तंत्र, दूसरा है 2-line system या 2 वंशक्रम तंत्र बोल देते हैं इसको, और तीसरा है केमिकल इमैस्कुलेंट सिस्टम या रासायनिक विपुंसी कारक तंत्र। तो ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं या विधियां हैं, ये मैंने आपको सेकंड ईयर के अंदर करवाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने थोड़ी बहुत डिटेल इनकी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3-line system या 3 वंशक्रम तंत्र। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी कोशिका द्रव्यी अनुवंशिक नर बंध्यता का उपयोग किया जाता है, है ना। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में CGMS बोल देते हैं। तो CGMS का उपयोग किया जाता है 3-line system के अंदर, और उसके उपयोग से फिर हाइब्रिड सीड या संकर बीज का उत्पादन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी एक मादा वंशक्रम चाहिए या एक फीमेल लाइन चाहिए, और फीमेल लाइन यहाँ पे हमेशा कैसी होती है, नर बंधे होती है, ठीक है, या मेल स्टेराइल होती है। तो धान में नर बंध्य कोशिका द्रव्य के स्रोत के रूप में, या हम कह सकते हैं मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म के सोर्स के रूप में, हम लोग यहाँ किसको किसका यूज करते हैं, वाइल्ड एबॉर्टिव का, ठीक है। वाइल्ड एबॉर्टिव का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा वंशक्रम है धान के अंदर, एक ऐसी लाइन है जो जिसके पौधे या जिसके प्लांट्स कैसे होते हैं, नर बंध्य या मेल स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अब 3-line system, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग 3 lines या 3 वंशक्रम यूज़ करते हैं या इनका उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से वंशक्रम हैं, अभी A line, B line और R line। ए लाइन के जो पौधे होते हैं वो हमेशा नर बंधे होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, इसका मतलब इसके जो परागकण हैं वो निष्क्रिय होंगे या यूजलेस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए लाइन के जो पौधे हैं इनको हम लोग नर जनक की तरह उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर इसको किसकी तरह यूज करते हैं हम लोग, मादा जनक की तरह। तो ए लाइन के पौधों को हमेशा मादा जनक की तरह उपयोग किया जाता है। बी लाइन की बात कर लेते हैं, तो बी लाइन को अनुरक्षक वंशक्रम भी बोलते हैं या मेंटेनर लाइन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, ए लाइन के अनुरक्षण के लिए या ए लाइन के मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी लाइन का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, ए लाइन के साथ, और इस क्रॉस से जो हमें पौधे मिलते हैं वो किसके होते हैं, ए लाइन के ही पौधे होते हैं, ठीक है। बी लाइन जो है वो नर उर्वर होते हैं यानी मेल फर्टाइल होता है, इसका मतलब बी लाइन के पौधों को हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, नर जनक की तरह यूज किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। तीसरी है आर लाइन, आर लाइन को पुनः स्थापक वंशक्रम भी कहते हैं या इसको रीस्टोरर लाइन के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। इसका काम क्या होता है, नर उर्वरता को या मेल फर्टिलिटी को पुनः स्थापित करना या रिस्टोर करना, ठीक है। अब आरलाइन के पौधे कैसे होते हैं, नर उर्वर होते हैं यानी मेल फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आरलाइन के पौधों को हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, नर जनक की तरह या मेल पेरेंट की तरह इसको यूज करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। तो ये तीन लाइन्स हम लोग यूज करते हैं थ्री लाइन सिस्टम में या तीन वंशक्रम तंत्र के अंदर। तो उसके बाद दूसरी मेथड आती है टू लाइन सिस्टम या दो वंशक्रम तंत्र, ठीक है। इसमें ईजीएमएस का उपयोग किया जाता है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, है ना। अनुवंशिक नर बंधेता जो है उसके ऊपर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, सिर्फ दो ही मेन कारक हैं, एक तो है टेम्परेचर या तापमान और दूसरा है फोटोपेरियोडिसिटी या इसको बोल देते हैं दीप्तिकालिता, ठीक है। तो तापमान जो है अगर अनुवंशिक नर बंधेता को प्रभावित करता है तो उसको क्या बोल देते हैं, टीजीएमएस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या तापमान संवेदी अनुवंशिक नर बंधेता। दूसरा, अगर दीप्तिकाल या फोटो पीरियड प्रभावित कर रहा है अनुवंशिक नर बंधेता को, उसको क्या बोल देते हैं, पीजीएमएस। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या प्रकाश काल संवेदी अनुवंशिक नर बंधेता, ठीक है। तो टू लाइन सिस्टम के अंदर हम लोग इसका उपयोग करते हैं संकर बीज उत्पादन के लिए या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने आपको सेकंड ईयर में करवाई हुई है ना, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आता है ये। अब यहाँ पर हम लोग पुनः स्थापक वंशक्रम के रूप में या रीस्टोरर लाइन के रूप में किसी भी नॉर्मल लाइन जो होती है या सामान्य जो वंशक्रम होता है उसका उपयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें टीजीएमएस या फिर पीजीएमएस लाइन का क्रॉस हम लोग करवाते हैं किसके साथ, सामान्य वंशक्रम या नॉर्मल लाइन के साथ। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, अभी संकर बीज प्राप्त होते हैं या हाइब्रिड सीड प्राप्त होते हैं जिनसे उगने वाले पौधे कैसे होंगे, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही लाइन्स यूज कर रहे हैं, एक तो टीजीएमएस या पीजीएमएस लाइन, इन दोनों में से कोई भी एक, और दूसरी सामान्य लाइन या नॉर्मल लाइन या सामान्य वंशक्रम, ठीक है। इसलिए इसको टू लाइन सिस्टम या दो वंशक्रम तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद तीसरा सिस्टम आता है केमिकल ईमैस्कुलेंट सिस्टम या रासायनिक विपुंसी कारक तंत्र बोल देते हैं इसको। तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं या कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो अगर हम उनका पौधों के फ्लावर्स के ऊपर या पुष्पों के ऊपर उनको छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं भाई, जो परागकण होते हैं है ना या पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पौधा का क्या हो जाता है, नर बंधे हो जाता है या मेल स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कृत्रिम रूप से भी आर्टिफिशियली भी हम लोग मेल स्टेरिलिटी या नर बंधेता उत्पन्न कर सकते हैं पौधों के अंदर, ठीक है। लेकिन जो मादा युग्मक होता है या हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट होता है उसके ऊपर इन रसायनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जो नर बंधे पौधे होते हैं या मेल स्टेराइल प्लांट्स होते हैं उनका उपयोग हम लोग किसकी तरह करते हैं, मादा जनक की तरह करते हैं, ठीक है। तो मादा युग्मक या फीमेल गैमेट का सही सलामत रहना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा रसायन या केमिकल जो मादा युग्मक की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित किए बिना, यानी जो फीमेल गैमेट है उसकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है या सामान्य जो क्रियाशीलता है वो बनी रहेगी, वो प्रभावित नहीं होगी, नर युग्मक को नष्ट या निष्क्रिय कर देते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे पौधा क्या हो जाता है, नर बंधे या मेल स्टेराइल हो जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक विपुंसी कारक या केमिकल ईमैस्कुलेंट्स बोल देते हैं, या फिर इनको गैमिटोसाइड्स भी कहा जाता है या हिंदी में बोल देते हैं युग्मक नाशी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, दो मेन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो है इथरल और दूसरा है मैलेइक हाइड्रेजाइड, ठीक है। तो इन दो केमिकल्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं केमिकल ईमैस्कुलेंट सिस्टम के अंदर। तो हमने मेल स्टेरिलिटी डेवलप कर ली, विकसित कर ली किसके अंदर, पौधे के अंदर। तो इसका मतलब इस नर बंधे पौधे को या मेल स्टेराइल प्लांट को हम लोग फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जनक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसका क्रॉस करवा सकते हैं किसके साथ, किसी भी सामान्य वंशक्रम के साथ, नॉर्मल लाइन के साथ, और संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम है जिनका उपयोग हम लोग धान के अंदर
करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। अब ये जो केमिकल्स या रसायन होते हैं, ठीक है, संकर बीज उत्पादन में मादा जनक वंशक्रम को विपुंसित करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसी लाइन या ऐसा वंशक्रम जिसका उपयोग हम लोग मादा जनक के रूप में करना चाहते हैं या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर, उसको विपुंसित करने के लिए यानी इमैस्कुलेट करने के लिए। इमैस्कुलेशन या विपुंसन में हम लोग क्या करते हैं, पुष्प में से जो पुंकेसर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विपुंसन या इमैस्कुलेशन। तो ये एक तरह का विपुंसन ही है, इसलिए इसको इमैस्कुलेंट या विपुंसी कारक भी कह देते हैं। चाइना के अंदर यानी चीन में जो केमिकल इमैस्कुलेंट्स होते हैं या रासायनिक विपुंसी कारक होते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं नॉर्मल रूप से इसका यूज किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर या संकर बीज उत्पादन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चीन में इनका उपयोग किया जाता है। अपने इंडिया में इस विधि का जो उपयोग है या यूज है इंडिया के अंदर, वो कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए नहीं करते हैं, वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के अंदर या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर भी इनका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन चाइना के अंदर क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फूड की सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो हाइब्रिड सीड बनाते हैं राइस का केमिकल इमैस्कुलेंट्स के यूज़ से, ताकि उससे जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर या पर हेक्टेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सके, ताकि फूड जो है वो सप्लाई किया जा सके। इसलिए चाइना में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इंडिया में इसका जो यूज़ है वो नहीं करते हैं। चलिए अब अपने करेंगे संकर बीज उत्पादन की, धान में जो संकर बीज उत्पादन हम लोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कौन सी विधि का करते हैं भाई, तीन वंशक्रम विधि या थ्री लाइन सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है धान के अंदर संकर बीज उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग CGMS का उपयोग करते हैं या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है उसका यूज़ किया जाता है, और नर बंधे कोशिका द्रव्य के स्रोत के रूप में या मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म के सोर्स के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं वाइल्ड अबॉर्टिव का, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। अब जो वाइल्ड अबॉर्टिव होता है, ये जो कोशिका द्रव्य है या वाइल्ड अबॉर्टिव का जो कोशिका द्रव्य है, सेल साइटोप्लाज्म जो होता है, इसकी एक कमी होती है। इसके अंदर क्या कमी है कि इसकी जो ध्वजपर्ण होती है ना, यानी जो फ्लैग लीफ होती है उससे पेनिकल्स अपूर्ण निकलती हैं, है ना, पेनिकल या स्पाइक, ये क्या होता है, इनफ्लोरिसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, किसका, जो धान है, ठीक है, धान की वाइल्ड अबॉर्टिव लाइन का या वंशक्रम का। तो ये पुष्पक्रम ध्वजपर्ण से अपूर्ण रूप से निकलता है या इनकम्प्लीटली निकलता है, तो पूरे का पूरा पेनिकल या पूरे का पूरा जो स्पाइक है वो ध्वजपर्ण से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकलता तो इसका मतलब 100% जो फ्लावर्स हैं या 100% जो पुष्प हैं वो परागित नहीं हो पाएंगे, है ना, पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब जो भाग पेनिकल का ध्वजपर्ण के अंदर छुपा हुआ रह गया, हिडन रह गया, उस भाग में बीज नहीं बनेंगे। तो बीज नहीं बनेंगे तो हमारा जो हाइब्रिड सीड है उसकी यील्ड कम आएगी, उपज कम आएगी। तो ये एक तरह की कमी है किसकी, वाइल्ड अबॉर्टिव साइटोप्लाज्म की, ठीक है, या लाइन की। चलिए अब जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है या संकर बीज का उत्पादन है उसके दो मेन स्टेप्स होते हैं या दो मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या रहता है, अनुरक्षण करना, है ना, या मेंटेनेंस करना, किसकी, जनक वंशक्रमों की या पेरेंट लाइंस की। तो हम यहाँ पे तीन तरह की पेरेंट लाइन यूज कर रहे हैं, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। तो इन तीनों पेरेंट लाइंस या जनक वंशक्रमों का हमें क्या करना है, अनुरक्षण करना है, मेंटेनेंस करनी है इनकी, ठीक है। कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे आगे। और दूसरा वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कमर्शियल हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये दो स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जनक वंशक्रम है या पेरेंट लाइंस है उनका मेंटेनेंस या अनुरक्षण किस तरह से किया जाता है। तो मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, आधार बीज उत्पादन करते हैं, है ना, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, जनक वंशक्रमों का या जो पेरेंट लाइंस हैं, है ना। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको करवाया था। सेकंड ईयर के अंदर
है ना, अपने सीड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है कि फाउंडेशन सीड या आधार बीज का उत्पादन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो रखते हैं अन्य खेतों से या अदर फील्ड से, और एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर या पृथक खेत के अंदर हम लोग बीज का उत्पादन करते हैं, है ना, या बीज का गुणन करते हैं, और बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन या पराकण जो है वो इस फील्ड के अंदर या खेत के अंदर आने नहीं दिया जाता है, ठीक है। और आधार बीज उत्पादन के लिए जो डिस्टेंस रखनी है हमें, जो दूरी रखनी है पृथक्करण दूरी, वो ज़्यादा रखी जाती है ना सर्टिफाइड सीड की तुलना में, क्योंकि आधार बीज की जो प्योरिटी है या शुद्धता है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हमें तीन लाइन्स का अनुरक्षण करना है, ए लाइन का, बी लाइन का और आर लाइन का। तो इनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस हम लोग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए लाइन की, कि ए लाइन जो होती है उसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि ए लाइन का हम लोग क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, बी लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो ए और बी लाइन का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। ए लाइन के पौधे कैसे होते हैं भाई? नर बंदे होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, तो इसका मतलब इनको कभी भी नर जनक के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मादा जनक की तरह यूज किया जाता है। तो पौधे कैसे होते हैं? इसके मेल स्टेराइल होते हैं। इसका क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? बी लाइन के साथ करवाते हैं। तो बी लाइन के जो पौधे हैं वो नॉर्मल होते हैं, नर उर्वर होते हैं, मेल फर्टाइल होते हैं, तो इसको हम लोग मेल पेरेंट की तरह या नर जनक की तरह यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, और जो हमें बीज प्राप्त होते हैं, बीजों को हमें कहाँ से कलेक्ट करना है? ए लाइन से कलेक्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने से हमें ए लाइन के पौधे ही मिलते हैं, है ना। और ए लाइन के पौधे कैसे होंगे फिर भाई? मेल स्टेराइल या नर बंदे होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग संकरण करवा रहे हैं ए लाइन का बी लाइन के साथ, क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। तो जब भी हम लोग संकरण करवाते हैं तो रूल यही है कि 50% जो करेक्टर्स हैं या 50% जो लक्षण हैं वो कहाँ से आते हैं? नरजनक से आते हैं, है ना। और 50% जो लक्षण हैं या जीन्स हैं वो कहाँ से आते हैं? मादाजनक से आते हैं। तो ये तो संकर होना चाहिए, ये ए लाइन कैसे हुई फिर, ठीक है। इसका आंसर ये है कि जो बी लाइन होती है वो ए लाइन के क्या होती है? आइसोजेनिक होती है या समजीनी होती है। इसका मतलब जो जीन प्रारूप ए लाइन का होता है वही जीन प्रारूप या जीनोटाइप बी लाइन का होता है। एग्जैक्ट सेम होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं या एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। सिर्फ एक ही जीन का अंतर होता है इन दोनों के अंदर, ए और बी लाइन में सिर्फ एक ही जीन का अंतर होता है, और वो कौन सा होता है? नरबंध्यता का जीन, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ए लाइन नर बंधे होती है, बी लाइन नर उर्वर होती है, बाकी जीन प्रारूप, बाकी जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं दोनों लाइंस के अंदर। तो इसका मतलब ए लाइन और बी लाइन एक दूसरे के समजीनी होती हैं, आइसोजेनिक होती हैं। इसीलिए जब हम ए लाइन का बी लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसके लक्षणों में परिवर्तन नहीं आता है, इसके करेक्टर्स के अंदर चेंज नहीं आता है, ठीक है। और हमें जो पौधे मिलते हैं वो ए लाइन के पौधे ही होते हैं, ठीक है, ए लाइन के प्लांट्स ही होते हैं, जो कि कैसे हैं? नर बंदे या मेल स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी हमें कितनी रखनी है, है ना, जो हाइब्रिड फील्ड होता है या संकर जो खेत है उसकी अन्य खेतों से या अन्य फील्ड से कितनी दूरी रखनी है हमें पृथक्करण दूरी? 200 मीटर रखनी है, 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि कंटेमिनेशन या संदूषण न हो। कोई अन्य किस्म का या अन्य वैरायटी का जो पॉलन ग्रेन है या परागण है वो आकर परागण या पॉलिनेशन ना कर सके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो धान है या पैडी है या राइस है वो क्या है भी? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या स्वपरागित फसल है, ठीक है। तो स्वपरागित फसलों के अंदर चाहे आधार बीज का उत्पादन करना हो यानी फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना हो, चाहे सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना हो, है ना, इन दोनों प्रकार के सीड प्रोडक्शन के लिए हम लोग किस जो आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी है वो कितनी रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं, क्योंकि ये स्वपरागित है और स्वपरागित के लिए 3 मीटर दूरी ही या पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। लेकिन जब हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तब दूरी बढ़ जाती है, है ना, ताकि संदूषण या कंटेमिनेशन के चांसेस 0% रहे। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग पृथक्करण दूरी को बढ़ाकर 200 मीटर कर देते हैं या 200 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी नरजनक जो पौधा होता है उसकी पंक्तियाँ उगाते हैं, फिर उसके बाद
मादा जनक जो होता है, फीमेल पेरेंट जो होता है, उसकी पंक्तियां या रोज उगाते हैं, लेकिन इन रोज का या इन पंक्तियों का एक निश्चित अनुपात रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांटिंग रेशियो बोल देते हैं या रोपण अनुपात बोल देते हैं। तो रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो जो है वो नर जनक व मादा जनक पंक्तियों का कितना रखा जाता है, 2:4 रखा जाता है। 2 पंक्तियां किसकी, नर जनक पौधों की या मेल पेरेंट प्लांट्स की, और 4 पंक्तियां किसकी, मादा जनक पौधों की या फीमेल पेरेंट प्लांट्स की। ठीक है, तो मादा जनक पौधों की पंक्तियां ज्यादा संख्या में रखी जाती हैं, क्यों, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो बीज है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो प्लांटिंग रेशियो कितना रखना है, 4:2 रखना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी एक इसके अंदर मैंने अलग अलग बॉक्स शो किए हैं, यहाँ पे बी बी है ना, बी लाइन की 2 पंक्तियां हैं, उसके बाद ए लाइन की कितनी है, अभी 4 पंक्तियां हैं, 4 1 2 3 4 4 लाइन्स हो गई, और फिर बी लाइन की फिर 2 पंक्तियां आ गई, फिर से आगे क्या होगा, ए लाइन की 4 पंक्तियां होंगी, फिर से बी लाइन की 2 पंक्तियां होंगी। इस तरह से हमें जो रेशियो है, अनुपात जो है ए और बी लाइन का, वो कितना रखना है, 4:2 रखना है या 4:2 रखना है। ठीक है, चलिए अब प्रति हिल जो बीज हमें डालने हैं, है ना, मतलब क्या है कि जब हम सीड ड्रिल करेंगे, है ना, सीड ड्रिलिंग करेंगे, तो एक जगह पर या एक प्लेस पर कितने बीज हम लोग डालेंगे, है ना। तो हमें नर जनक जो पौधे होते हैं या मेल पेरेंट जो प्लांट होते हैं, यानी जो बी लाइन है, उसके हमें 3 बीज डालने हैं, यानी 3 नरजनक पौधे उगने चाहिए एक ही जगह से, और जो मादा जनक या फीमेल पेरेंट होता है उसके कितने बीज डालने हैं, एक ही जगह पे 2 बीज डालने हैं, यानी वहां से 2 प्लांट्स या 2 पौधे जो हैं वो फीमेल पेरेंट के या मादा जनक के उगने चाहिए। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ए और बी लाइन्स जो है वो क्या होती है, समजेनी होती है, ठीक है, या आइसोजेनिक होती है, जिससे फायदा क्या होता है इसका, दोनों के अंदर यानी ए और बी लाइन के अंदर, दोनों के अंदर जो फ्लावरिंग है या जो पुष्पन है वो एक ही समय पर होता है। ठीक है, यानी फ्लावरिंग या पुष्पन आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए लाइन में पहले हो जाएगा बी लाइन में बाद में होगा, या फिर बी लाइन में पहले होगा ए लाइन में बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ए लाइन प्लांट्स और बी लाइन प्लांट्स में फ्लावरिंग या पुष्पन एक ही समय पर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो क्या है, सिंक्रोनस है, या इसको बोल देते हैं हिंदी में तुल्यकालिक है, तो एक ही समय पर पुष्पन या फ्लावरिंग होगी। ठीक है, चलिए फ्लावरिंग हो गई, उसके बाद पॉलिनेशन जो है वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पॉलिनेशन के बाद फिर उसमें फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट के अंदर सीड्स बन जाएंगे, है ना, उसके बाद मैचुरेशन या परिपक्व हो जाएंगे। तो आफ्टर मैचुरेशन या परिपक्वता के पश्चात हमें बीजों को एकत्रित करना है या कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ए लाइन जो पंक्तियां होती हैं या ए लाइन जो रोज होती हैं उनके पौधों से ही बीज को एकत्रित करते हैं या उनके प्लांट से ही सीड्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वही बीज जो हैं वो 100% ए लाइन वंशक्रम या ए लाइन पौधे जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, केवल ए लाइन पौधों से ही बीजों को एकत्रित करना है मेंटेनेंस के दौरान। चलिए उसके बाद बी लाइन का अनुरक्षण, जो बी लाइन है उसका हम लोग मेंटेनेंस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मल वैरायटी के समान किया जाता है, है ना, कोई भी किस्म है हम लोग उसका अनुरक्षण किस प्रकार से करेंगे, मेंटेनेंस किस प्रकार से करेंगे, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, एक पृथककृत खेत के अंदर बीजों को उगाएंगे, अपने आप ही पॉलिनेशन या परागण होने देंगे। ठीक है, और जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएंगे, तो उस फसल से, उस क्रॉप से हम लोग बीजों को एकत्रित कर लेंगे, सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का मेंटेनेंस है। तो इसका जो मेंटेनेंस या अनुरक्षण है बी लाइन का, वो नॉर्मल वैरायटी के समान ही या सामान्य किस्म के समान ही किया जाता है, पृथककृत खेत में उगाकर यानी आइसोलेटेड फील्ड के अंदर ग्रो करवाकर। आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथककरण दूरी हमें कितनी रखनी है अन्य खेतों से या अदर फील्ड से, 200 मीटर, तो 200 मीटर हमें डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, और जब मैचुरेशन होगा या परिपक्वता होगी तो उसके पश्चात हम लोग बीजों को एकत्रित कर लेंगे या सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे, जितने भी पौधे होंगे या जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी प्लांट्स से। ठीक है, तो ये हो गया बी लाइन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस। उसके बाद आर लाइन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, तो इसका मेंटेनेंस भी
नॉर्मल वैरायटी या सामान्य किस्म के समान ही किया जाता है, तो इसको भी हम लोग आइसोलेटेड फील्ड या पृथक्कृत खेत में उगाते हैं, ठीक है। और आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, पृथक्करण दूरी, इसमें भी 200 मीटर ही रखनी है, 200 मीटर हमें रखनी है, और पॉलिनेशन या परागण होने देंगे। जब मैचुरेशन हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगी, तो उसके पश्चात हम लोग सभी पौधों से, ऑल द प्लांट्स जो होते हैं, उन सभी से बीजों को एकत्रित कर लेते हैं, सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आर लाइन का मेंटेनेंस या अनुरक्षण। तो हमने तीनों के तीनों जो पेरेंट लाइन्स होती हैं या जनक वंशक्रम होते हैं, उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है वो हमने देखा। उसके बाद दूसरा जो मेन स्टेप आता है इसके अंदर, वो आता है वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। मेंटेनेंस तो हमने कर लिया, अब हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, संकर प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन किया जाता है, यानी हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। यानी ये सर्टिफाइड सीड होता है, जो हाइब्रिड सीड हम लोग बनाते हैं वो एक तरह का सर्टिफाइड सीड होता है या प्रमाणीकृत बीज ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो ए लाइन के पौधे होते हैं या ए लाइन के प्लांट्स होते हैं, उनका क्रॉस करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है किसके साथ, आर लाइन प्लांट्स के साथ, ठीक है। ए लाइन के पौधे कैसे होते हैं, नर बंदे होते हैं, मेल स्टेराइल होते हैं, तो ए लाइन जो है इसको हम लोग मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और आर लाइन के पौधे कैसे होते हैं, नर उर्वर या मेल फर्टाइल होते हैं, तो इसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, मेल पेरेंट की तरह या नर जनक की तरह इसको यूज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं हमें। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ए लाइन जो है मेल स्टेराइल होती है, नर बंदे होती है, इसका क्रॉस करवाते हैं आर लाइन के साथ, मेल फर्टाइल है, नर उर्वर है, तो इसका मतलब ए लाइन के पौधे क्या हो गए, मादा जनक फीमेल पेरेंट हो गए, और आर लाइन के पौधे क्या हो गए, नर जनक या मेल पेरेंट हो गए। तो इन दोनों में क्रॉस करवाया तो हमें जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, भी हाइब्रिड सीड होंगे या संकर बीज होंगे। जब हम इन संकर बीजों को उगाएंगे या जर्मिनेशन करवाएंगे अगले सीजन में, है ना, या अगले वर्ष, तो हमें जो पौधे प्राप्त होंगे उनको क्या बोलेंगे, F1 प्लांट्स, या इसको F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी बोल देते हैं। तो इस पीढ़ी के जितने भी पौधे होंगे या जितने भी प्लांट्स होंगे वो मेल फर्टाइल होंगे या नर उर्वर होंगे, इसका मतलब उन वो जनन करने में सक्षम होंगे अपने आप ही, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में वो सक्षम होंगे, ठीक है। तो अपने आप ही वो क्या कर सकते हैं, बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस हाइब्रिड सीड को हम लोग फार्मर्स के अंदर या किसानों के अंदर वितरित कर देते हैं। तो जब किसान इन बीजों को उगाते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, तो उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। तो जितने भी पौधे होंगे वो मेल फर्टाइल होंगे, नर उर्वर होंगे, और वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन करेंगे, सामान्य जनन करेंगे, और सामान्य जनन अगर वो करेंगे तो इसका मतलब जो बीज का उत्पादन है या सीड का प्रोडक्शन है वो करेंगे, ठीक है, और उससे हमारी जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए लाइन के पौधे कैसे थे, भी मेल स्टेराइल थे या नर बंदे थे, लेकिन जो F1 प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, नर उर्वर है या मेल फर्टाइल है। किस वजह से हुआ ये, आर लाइन की वजह से। आर लाइन के अंदर रीस्टोरर जीन या पुनःस्थापक जीन उपस्थित होता है, जिसको कैपिटल आर के द्वारा शो किया जाता है। तो जब इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया या संकरण करवाया, तो आर जो जीन था, ठीक है, ये इसकी कोशिकाओं में आ जाता है, इसकी सेल्स के अंदर आ जाता है, और जब कैपिटल आर उपस्थित होता है तो पौधा कैसा होगा, भी नर उर्वर होगा या मेल फर्टाइल होगा, ठीक है। ये CGMS के अंदर या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब पृथक्करण या आइसोलेशन की बात कर लेते हैं। तो धान के अंदर तीन तरह का आइसोलेशन या पृथक्करण जो है वो किया जाता है, है ना। अब पृथक्करण का मतलब क्या है, कि जो साथ वाले खेत होते हैं, है ना, जो नेबर फील्ड्स होते हैं, उनसे कितनी दूरी या कितनी डिस्टेंस हम लोग बनाकर रखेंगे ताकि संदूषण या कंटेमिनेशन ना हो, क्या कहलाता है, पृथक्करण या आइसोलेशन कहलाता है। तो तीन तरह का आइसोलेशन जो है वो किया जा सकता है धान में। सबसे पहला है स्थान पृथक्करण, या इसको स्पेस आइसोलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी फिजिकल डिस्टेंस या भौतिक दूरी बनाकर रखते हैं अन्य खेतों से या अदर फील्ड से, ठीक है। तो पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस हमें कितनी रखनी है, 100 मीटर रखनी है, है ना, 100 मीटर हमें रखनी है,
ध्यान रखना, मेंटेनेंस के लिए या अनुरक्षण के लिए जो पृथक्करण दूरी थी वो कितनी थी, 200 मीटर थी, 200 मीटर थी, जबकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए या संकर बीज का जब हम उत्पादन करते हैं तो जो पृथक्करण दूरी है या आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितनी रखनी है, 100 मीटर रखनी है। ठीक है, दूसरा है भी समय पृथक्करण, या इसको बोल देते हैं टाइम आइसोलेशन। तो ये कब किया जाता है, जब स्थान पृथक्करण या स्पेस आइसोलेशन संभव न हो। ठीक है, तो यदि स्थान पृथक्करण या स्पेस आइसोलेशन के अंदर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम लोग टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी जब बुआई की जाती है, जो सोइंग की जाती है, उसमें हम लोग डिफरेंस रख लेते हैं या अंतराल रख लेते हैं समय का। ठीक है, कितने समय का रखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो संकर बीज जो प्लॉट होता है, जो हाइब्रिड सीड प्लॉट होता है उसमें, और जो संदूषक प्लॉट होता है यानी कंटेमिनेटिंग जो फील्ड होता है, कंटेमिनेटिंग फील्ड कौन सा होगा, नेबरिंग फील्ड, जो पड़ोस वाला खेत होगा वो, इन दोनों के पुष्पन के मध्य, इन दोनों की जो फ्लावरिंग है उनके बीच में कितने टाइम का अंतर रखते हैं हम लोग, 4 सप्ताहों का या 4 वीक्स का अंतराल रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोग संकर खेत के अंदर या हाइब्रिड सीड फील्ड के अंदर जो बीजों की बुआई करेंगे या सीड्स की सोइंग करेंगे, ठीक है, वो मान लीजिए हमने आज कर ली। ठीक है, और जो इसके साथ वाले खेत होंगे, है ना, उनकी बुआई 4 सप्ताह के बाद की जाती है। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो साथ वाले खेत हैं या नेबर फील्ड हैं उनकी बुआई हमने आज कर ली, और जो हाइब्रिड सीड का हम लोग बुआई या सोइंग करना चाहते हैं वो 4 सप्ताह के या 4 वीक्स के बाद करते हैं। इससे होता क्या है, फ्लावरिंग के अंदर अंतर आ जाता है या पुष्पन के अंदर डिफरेंस आ जाता है टाइम का, कितने टाइम का, 4 वीक्स का या 4 सप्ताह का। इससे क्या होगा भाई, पोलन कंटेमिनेशन नहीं होगा, है ना, पराक्रम के द्वारा जो संदूषण फैलाया जाने के चांसेस रहते हैं वो निल हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का आइसोलेशन या पृथक्करण है, जिसको बोलते हैं समय पृथक्करण या टाइम आइसोलेशन। तीसरा है बाधा पृथक्करण या बैरियर आइसोलेशन भी बोल देते हैं इसको। तो ये कब किया जाता है, जब ऊपर वाले दोनों के दोनों पृथक्करण या आइसोलेशन संभव ना हो। ठीक है, तो यदि स्थान पृथक्करण और समय पृथक्करण यानी स्पेस आइसोलेशन एंड टाइम आइसोलेशन, ये दोनों ही समस्या उत्पन्न कर रहे हों, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, तब हम बाधा पृथक्करण का उपयोग करते हैं या बैरियर आइसोलेशन का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हमारा हाइब्रिड सीड प्लॉट होता है या संकर बीज खेत जो होता है उसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई तक, है ना, चारों ओर हमें 10 मीटर चौड़ाई तक 6 से 8 फीट ऊंची, है ना, एक ऐसी क्रॉप या एक ऐसी फसल उगाई जाती है जिसके पौधों की ऊंचाई कितनी हो, 6 से 8 फीट, जो कि बहुत ज्यादा होती है ना, एक बाधक फसल उगाई जाती है। इस फसल को या इस क्रॉप को क्या बोल देते हैं, बैरियर क्रॉप या बाधक फसल। ठीक है, इस फसल का काम क्या है, कोई भी पोलन ग्रेन या पराकण जो नेबरिंग फील्ड होता है या पड़ोसी खेत जो होता है वहां से उसको हाइब्रिड सीड फील्ड के अंदर आने नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसको रोका जाता है, उसके अंदर बाधा उत्पन्न की जाती है या बैरियर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से या नॉर्मली हम लोग जो क्रॉप्स बैरियर क्रॉप्स के रूप में या बाधक फसलों के रूप में उगाते हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी, इनकी इनके प्लांट्स की जो हाइट है या पौधों की जो ऊंचाई है वो 6 से 8 फीट होती है। जैसे ढेंचा का नाम सुना होगा आपने, गन्ना जो है इसकी भी हाइट बहुत होती है, ज्वार के जो पौधे होते हैं उनकी उनकी हाइट जो है वो भी बहुत अधिक होती है। तो ये तीन फसलें हैं जो बैरियर क्रॉप्स के रूप में हम लोग उगाते हैं धान के अंदर, जब बैरियर आइसोलेशन या बाधक पृथक्करण करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग रोपण अनुपात की या प्लांटिंग रेशियो की। ठीक है, तो प्लांटिंग रेशियो क्या होता है भी, नर जनक पंक्तियों व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो कहलाता है, या हम इंग्लिश में कहें तो जो मेल पेरेंट प्लांट्स हैं, है ना, या मेल पेरेंट रोज एंड फीमेल पेरेंट रोज का जो रेशियो है ना, वो क्या कहलाता है, प्लांटिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब नर व मादा जनक पंक्तियों का जो अनुपात है या मेल एंड फीमेल पेरेंट रोज का जो रेशियो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित होता रहता है ना, एक एरिया से दूसरे एरिया में, मतलब एक एरिया के अंदर हम लोग कोई अलग
मतलब मान लीजिए एक एरिया के अंदर हम लोग एक प्लांटिंग रेशियो यूज कर रहे हैं, अगर हम दूसरे एरिया में जाएंगे तो हो सकता है हमें दूसरा प्लांटिंग रेशियो यूज करना पड़े। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है? जलवायु परिस्थितियों व जनकों की क्षमता पर निर्भर करता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस क्षेत्र की या उस एरिया की वो क्या है, और जो पेरेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं या जनक हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी या उनकी क्षमता क्या है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो नर जनक पौधा है वो कितनी मात्रा में पॉलन का उत्पादन करेगा, उसकी क्षमता क्या होगी, और जो मादा जनक पौधा है उसकी ग्राही क्षमता या रिसेप्टिव कैपेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये होती है जनकों की क्षमता या पेरेंट कैपेबिलिटी। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर या कारकों के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम लोग कितना प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात रखेंगे। तो सामान्य रूप से जो हम लोग प्लांटिंग रेशियो यूज करते हैं, है ना, या रोपण अनुपात हम लोग उपयोग करते हैं, वो तीन ही है। सबसे पहला है 2:8, यानी दो पंक्तियां नरजनक पौधों की और 8 पंक्तियां मादाजनक पौधों की। फिर 2:6, दो पंक्तियां नरजनक पौधों की और 6 पंक्तियां मादाजनक पौधों की। और तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं 3:8, तीन पंक्तियां किसकी हो जाएंगी, नरजनक पौधों की, और 8 पंक्तियां मादाजनक पौधों की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कई कारक या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग प्लांटिंग रेशियो जो है या रोपण अनुपात जो है वो कितना रख रहे हैं, 2:8 रख रहे हैं, 2:8 रख रहे हैं। तो दो रोज या दो पंक्तियां हम लोग किसकी रखेंगे, नरजनक पौधों की रखेंगे। तो यहाँ पे नरजनक पौधे कौन से होंगे, भी आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं, तो दो आर लाइन समय उगानी है। उसके बाद फिर ए लाइन के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, मादाजनक की तरह यूज करते हैं। तो मादाजनक पंक्तियां कितनी होंगी, 8 होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 रोज या 8 पंक्तियां हम लोग ए लाइन प्लांट्स की उगाते हैं। फिर से दो पंक्तियां जो हैं वो आर लाइन प्लांट्स की उगाएंगे, फिर से 8 पंक्तियां ए लाइन प्लांट्स की उगाएंगे, फिर से दो पंक्तियां आर लाइन प्लांट्स की उगाएंगे। तो इस तरह से जो अनुपात है हाइब्रिड सीड फील्ड के अंदर या संकर बीज खेत के अंदर नर व मादाजनक पंक्तियों का वो कितना रखा जाता है, 2:8 रखा जाता है। चलिए, अब जो नरजनक पौधे होते हैं या मेल पेरेंट प्लांट होते हैं, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आर लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी मान लीजिए हम लोग दो पंक्तियां यूज कर रहे हैं, है ना, दो रोज जो है या दो पंक्तियां जो है वो आर लाइन प्लांट्स की उगा रहे हैं। उसके सापेक्ष, है ना, या उसके रिलेशन में हम लोग जो मादाजनक पौधे यूज कर रहे हैं या फीमेल पेरेंट प्लांट यूज कर रहे हैं, यानी कि जो ए लाइन के प्लांट्स होते हैं, उनकी हम लोग 8 से अधिक पंक्तियां उगा सकते हैं। ठीक है ना, 8 से भी मोर लाइन रोज जो है या पंक्तियां जो है वो उगा सकते हैं ए लाइन की। ठीक है, कब उगा सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस दी हुई हैं, 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, यदि आर लाइन के पौधे ए लाइन के पौधों से अधिक लंबे हों, है ना, आर लाइन क्या है भाई, नरजनक पौधा है, ए लाइन क्या है, मादाजनक पौधा है। तो अगर नरजनक यानी कि आर लाइन के पौधे बहुत ऊपर हों, उनकी लंबाई ज़्यादा हो, और ए लाइन के पौधों की लंबाई कम हो, तो आसानी से पॉलिनेशन या परागण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉलन्स क्या होते हैं, ज़्यादातर नीचे की तरफ ही गिरते हैं, तो अगर नीचे की तरफ ए लाइन के पौधे उपस्थित हों तो आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा पंक्तियां हम लोग ए लाइन की यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, पौधे अच्छी वृद्धि वाले व ओजपूर्ण हों। अगर प्लांट्स की ग्रोथ रेट या वृद्धि दर बहुत बढ़िया है ना, तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं, और साथ में ओजपूर्ण हों, विग्रस हों, है ना, उनका जो बायोमास है या जैव भार है बहुत अधिक हो, तब भी हम लोग 8 से अधिक पंक्तियां यूज कर सकते हैं मादाजनक पौधों की। तीसरी कंडीशन क्या है, पौधों की पेनिकल्स बड़े आकार की हो, है ना, जो प्लांट्स की पेनिकल्स हैं या स्पाइक्स हैं, है ना, पेनिकल क्या होता है, इन्फ्लोरिसेंस होता है या पुष्पक्रम होता है धान का। तो पेनिकल की लंबाई जितनी अधिक होगी या बड़ी होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं उसके द्वारा परागकणों को ग्रहण करने के, या पोलन ग्रेन्स को वो उतनी ही आसानी से ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ज्यादा संख्या में, 8 से ज्यादा संख्या में फीमेल पेरेंट प्लांट्स की रोज या मादाजनक पौधों की पंक्तियां उगा सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन क्या है, अभी आर लाइन के पौधे बड़ी मात्रा में परागकण फैलाते हों। जो आर लाइन प्लांट्स हैं यानी कि जो नरजनक पौधे हैं, उन वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर
पॉलेंस या परागकण उत्पन्न करते हों और उनको अपने चारों ओर फैलाते हों या स्प्रेडिंग करते हों, तो भी हम लोग 8 से अधिक पंक्तियाँ या 8 से अधिक रोज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसकी, मादा जनक पौधों की या फीमेल पेरेंट प्लांट्स की। ठीक है, अब जो ए लाइन प्लांट्स होते हैं, है ना, जो हम लोग ए लाइन प्लांट्स यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना, कौन कौन से उसमें फीचर्स या करेक्टर्स होने चाहिए धान के अंदर। तो सबसे पहला, आर लाइन के पौधों से कम ऊंचाई। ठीक है, आर लाइन क्या है भाई, नर जनक पौधे हैं इसके, इसके प्लांट से या पौधों से जो ऊंचाई है वो कम होनी चाहिए ताकि जो ए लाइन के पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो आसानी से पोलेंस को या परागकणों को ग्रहण कर सके। दूसरा गुण क्या है भी, पुष्प लंबे समय तक खुले रहने चाहिए, वह वर्तिकाग्र ग्राहिता लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए, है ना। अगर फ्लावर ज़्यादा टाइम तक खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो क्या होगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलेंस को या परागकणों को ग्रहण कर सकते हैं। और वर्तिकाग्र की ग्राहिता या स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो जितने लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं परागण होने के या पॉलिनेशन होने के। ठीक है, तो ये है दूसरा करैक्टर। तीसरा है, पुष्प खुलने का कोण अधिक होना चाहिए, जो एंगल है फ्लावर के ओपन होने का वो जितना अधिक होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं पोलेंस को ग्रहण करने के या परागकणों को रिसीव करने के। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होगा। और तीसरा नेक्स्ट जो करैक्टर है या गुण है इसका क्या है, वर्तिकाग्र निकलने का अधिक प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है वो फ्लावर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो कहता है कि इसका जो प्रतिशत है या परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन या परागण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाइब्रिड सीड या संकर बीज मिल सके। तो ए लाइन प्लांट्स के अंदर ये करैक्टर्स या गुण होने चाहिए धान में। अब आता है रोपाई या ट्रांसप्लांटेशन। धान के अंदर या राइस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी सबसे पहले नर्सरी तैयार की जाती है, है ना, पौध तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको पनीरी भी बोल देते हैं अपने देसी भाषा के अंदर। तो जब इस पौध की या इस नर्सरी के अंदर जो अंकुर होते हैं, है ना, या सीडलिंग्स जो होते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं, रोपाई करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। कब करने हैं, जब ये अंकुर या सीडलिंग्स 25 से 28 दिन के हो जाते हैं, 25 to 28 days के जब ये हो जाते हैं तब हम इनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं एक अदर फील्ड के अंदर, एक अन्य खेत के अंदर जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और पडलिंग की हुई होती है। ठीक है, पडलिंग का मतलब क्या है, जो मिट्टी होती है उसको उल्टना, है ना, या उसको पलटना, उसको पडलिंग बोल देते हैं हम लोग, और उसमें पानी जो है वो खड़ा हुआ होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग उसकी रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और पर हिल या प्रति हिल जो हमें प्लांट्स चाहिए, नरजनक पौधे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो 3 मेल पेरेंट प्लांट्स यानी आरलाइन प्लांट्स जो हैं वो होने चाहिए, और 2 मादा जनक पौधे या 2 फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो हैं वो पर हिल हमें उगाने हैं। तो रोपाई या ट्रांसप्लांटेशन इस प्रकार से किया जाता है। अब हमें डिस्टेंस कितनी रखनी है पौधों के बीच में, तो जो ए लाइन के पौधे होते हैं या ए लाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 15 × 15 cm। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ए लाइन से दूरी 15 cm होनी चाहिए और एक ए लाइन के अंदर पौधों के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 15 cm होनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो आर लाइन के पौधे होते हैं या आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें कितनी रखते हैं दूरी, 20 × 15 cm की दूरी रखी जाती है। इसका क्या मतलब है, एक आर लाइन के अंदर जो पौधे हैं उनके बीच की दूरी कितनी रखनी है, 20 cm रखनी है, लेकिन जो आर लाइंस के बीच की दूरी है वो कितनी रखी जाती है, 15 cm रखी जाती है। तो ये जो डिस्टेंस या दूरी है ये भी फिक्स होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संकर बीज का उत्पादन हो सके या हाइब्रिड सीड बन सके। अब एक टर्म आती है, पुष्प तुल्यकालन या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, इससे पहले हमने मेंटेनेंस या अनुरक्षण किया था,
तो अनुरक्षण में हमने ए लाइन का अनुरक्षण किया था, तो उसके लिए ए लाइन का क्रॉस बी लाइन के साथ करवाया जाता है। ठीक है, तो ए लाइन और बी लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, समजीनी होते हैं या आइसोजेनिक होते हैं, जिस वजह से उनमें फ्लावरिंग या पुष्पन क्या होता है, सिंक्रोनस होता है या तुल्यकालिक होता है, यानी एक ही समय पर फ्लावरिंग या पुष्पन होती है। लेकिन यहाँ पर जो ए लाइन और आर लाइन है ये आपस में समजीनी नहीं होते हैं, ये आइसोजेनिक नहीं होते हैं। अगर ये आइसोजेनिक नहीं है इसका मतलब ए लाइन का जीन प्ररूप अलग होता है, आर लाइन का जीन प्ररूप अलग होता है। तो दोनों का जीन प्ररूप अलग है इसका मतलब दोनों में जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो अलग अलग समय पर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लावरिंग क्या है, एसिंक्रोनस है या अतुल्यकालिक है। तो इसका मतलब फ्लावरिंग या पुष्पन तुल्यकालिक नहीं होता है, सिंक्रोनस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नर और मादा जनक पौधे जो होते हैं या मेल और फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग या पुष्पन अलग अलग टाइम पर होता है या अलग अलग समय पर होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो जो पॉलिनेशन है या परागण है उसका प्रतिशत बहुत ही कम रहता है, और पॉलिनेशन अगर कम होगा तो हमारा जो हाइब्रिड सीड है या संकर बीज है उसकी जो प्रति हेक्टेयर यील्ड है वो भी हमें बहुत ही कम मिलेगी। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या रहता है कि हम फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन करें, पुष्पन को तुल्यकालिक बनाएं। तो कैसे बनाएंगे, जो ए लाइन के प्लांट्स होते हैं उनकी जो सोइंग है या बुआई है वो एक बार की जाती है ना, ए लाइन यानी फीमेल पेरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं या मादाजनक पौधों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी बुआई एक बार ही कर दी जाती है। ठीक है, अब जो आर लाइन के पौधे होते हैं या आर लाइन के जो प्लांट्स हैं यानी जो मेल पेरेंट्स होते हैं या नरजनक पौधे होते हैं उनकी बुआई तीन बार की जाती है, 3 times। कितने दिनों के अंतराल तक, अंतराल पर 5 दिन के अंतराल पर, 5 days के इंटरवल पर। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, अभी जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो क्या हो जाएगा, तुल्यकालित हो जाएगा या सिंक्रोनस हो जाएगा, क्योंकि जो नरजनक पौधे हैं उनकी बुआई हम लोग 3 बार कर रहे हैं, 5 दिन के अंतराल पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो ए लाइन के पौधे हैं उनमें फ्लावरिंग या पुष्पन पहले हो गया, ठीक है, जो सबसे पहली बार हमने आर लाइन के पौधों की बुआई जो की थी, मान लीजिए आर लाइन के वो पौधे पॉलन का प्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं या उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जिनकी बुआई हमने 5 दिन के बाद की है हो सकता है वो कर लें, या हो सकता है 10 दिन के बाद जिनकी बुआई की है वो पॉलन का प्रोडक्शन कर लें। तो इस प्रकार से जो पॉलन प्रोडक्शन है या परागण का जो उत्पादन है उसका काल या पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, जिससे हाइब्रिड सीड के अंदर या संकर बीज उत्पादन के अंदर जो पॉलन की सप्लाई है ना, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं फीमेल पेरेंट तक या मादाजनक पौधों तक। तो पॉलिनेशन को हम लोग सक्सेसफुल बनाने के लिए ही क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालन करवाते हैं, किसका, फ्लावरिंग या पुष्पन का। चलिए, उसके बाद फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, अभी हाइब्रिड सीड कलेक्शन या संकर बीज को हमें एकत्रित करना है। तो संकर बीज क्षेत्र जो होता है या हाइब्रिड सीड जो फील्ड होता है उसमें 2 तरह की रोज होती हैं या 2 तरह की पंक्तियां होती हैं, एक तो होती है ए लाइन प्लांट्स की और दूसरी होती है आर लाइन प्लांट्स की। अब इन दोनों लाइंस की जो लाइंस के जो पौधे हैं उनमें से हमें कौन सी लाइन के पौधों से बीजों को एकत्रित करना है, सीड्स को कलेक्ट करना है कि वो हाइब्रिड सीड हो या संकर बीज हो। ठीक है, तो हमें मादाजनक पौधों से ही केवल बीजों को एकत्रित करना है, वही 100% हाइब्रिड सीड या संकर बीज होते हैं। ठीक है, तो जब मैचुरेशन या परिपक्वता आ जाती है तब हमें मादाजनक पौधों से, और मादाजनक के रूप में हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, ए लाइन को यूज कर रहे हैं, तो केवल और केवल ए लाइन के जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं उन्हीं से ही बीजों को एकत्रित किया जाता है, सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, और यही सीड जो है या बीज जो है वो क्या होते हैं, 100% संकर बीज या 100% हाइब्रिड सीड्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो संकर बीज का उत्पादन है या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है वो धान के अंदर किया जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।